एवरीवन, आइए आज बनाते हैं कैटरपिलर शेप का बन। बहुत ही मज़ेदार होता है। इसमें चीज़ की स्टफिंग की गई है और बस ये 20 मिनट में बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए ट्राई करते हैं। एक पॉट में नीम गर्म पानी लें, ये लगभग 100 ml पानी है। अब इसमें 1/2 teaspoon हमें ड्राई यीस्ट डालना है, ये लगभग 4 ग्राम होगा। और यहीं पर हमें मीठा डालना है, मीठा खमीर का खुराक होता है। तो यहाँ पर हमने लगभग 1 tablespoon इसमें चीनी डाला है। अब इसे अच्छी तरह से चला लेना है और उसके बाद ढककर 5 मिनट तक वेट करें। 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल खमीर हो चुका है, तो हम यहाँ पर 1/4 teaspoon नमक डालेंगे और यहीं पर हम डालेंगे 1 अंडा फेटा हुआ जो कि रूम टेम्परेचर पर है। अब इसी जगह हमें मैदा मिलाना है। हमने यहाँ पर लगभग 150 ग्राम मैदा लिया है। अब मैदा थोड़ा इकट्ठा हो गया है तो हम यहाँ पर 1 tablespoon कुकिंग ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल लिया है, ये कुछ इस तरह का हो चुका है। अब इसे वर्क सरफेस पर उझल लें, थोड़ा सा खुश्का डालें और इसे अच्छी तरह से गूंथ लें। थोड़ा सा बटर या ऑयल फिर से डालें ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए। पाँच मिनट सानने के बाद ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अब इसे एक पॉट में डाल देंगे और इसे राइज होने के लिए कुछ देर छोड़ देना होगा। उसी पॉट में डालें जिसमें हमने खमीर बनाया था। चलिए अब इसे किसी गर्म जगह पर रख छोड़ें। एक घंटे बाद आप देख सकते हैं ये कितना जबरदस्त खमीर हुआ है। सूखा आटा डालकर अब दोबारा से एक बार फिर से वर्क सरफेस पर आटे को उंडेल दें और इसे अच्छी तरह से गूंथ कर इकट्ठा कर लें। अब इसके मैंने बराबर बराबर 6 लोइयां तैयार की हैं। आप अपनी पसंद से छोटी या बड़ी साइज़ बना सकते हैं। लोइयों को अच्छी तरह से गोल कर लें और इसकी चपाती बेल लें, पूरी के साइज़ की चपाती बेल लें और 1/3 हिस्से पर इसके कसा हुआ चीज़ डालें। ये इसकी स्टफिंग होगी। अब इसकी स्लाइसेस कर लें और चीज़ वाले हिस्से को लपेट कर एक रोल बना लें, जैसा कि मैंने किया है। बहुत ही आसान तरीका है। और इसी तरह से सारी लोइयों को तैयार कर लें और जिस ट्रे में इसे बेक करना है उस पर डालते जाएं। अब दोबारा से इसे हम ढककर फिर से रखेंगे और एक तरफ अंडे
और दूध से एक मिक्सचर तैयार करें जिसे हमें इस बन के ऊपर लगाना है। अगर आपको अंडा पसंद नहीं तो आप मेल्टेड बटर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब जो हमने ढककर बन को रखा था उसे खोल कर देखें, ये दोबारा से फिर से राइज हो चुका है। अब इसके ऊपर अंडे की कोटिंग कर दें। ये ऐसा करने से बेक करने के बाद इसमें एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है जो कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो ये सारी तैयारी करने के बाद हम इसे बेक करेंगे। इसके ऊपर मैंने कसा हुआ चीज़ स्प्रेड कर दिया है जो कि बेक होने के बाद बहुत ही अच्छा दिखेगा। अब मैंने इसे माइक्रोवेव में 20 मिनट तक इस 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक किया है। माइक्रोवेव सभी के घर में होता है, चाहे ओवन हो या ना हो, तो इस तरह से इसे बेक करना बहुत ही आसान हो जाता है और कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं होता और रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। जब मैंने इसे तैयार कर लिया है तो कोई भी इसे बहुत आसानी से बना सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी और कितना सुनहरा तैयार हुआ है। इसकी परत देखकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना क्रिस्प हुआ है, सॉफ्ट भी है, मॉइस्ट भी है। तो इसे तोड़ कर देखें, अंदर से चीज़ की वजह से ये काफ़ी मॉइस्ट बना है। तो इसे आप बनाएं, उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बच्चों को लंच में दें, कबाब के साथ खाएं, किसी भी ग्रेवी के साथ इसे इस्तेमाल करें, हर तरह से ये बहुत ही अच्छा लगता है। बूढ़े बच्चे सभी को ये पसंद आएगा और वीकेंड पर बनाने से रोटी बेलने का झंझट नहीं रहता। तो बनाएं, खाएं और खिलाएं, और अगर पसंद आए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो उम्मीद है आज की रेसिपी को आपने इंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।